एक सैनिक के अंदर अनुशासन और देश सेवा का जुनून कभी खत्म नहीं होता, चाहे वो बॉर्डर पर हो या फिर सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद अपने घर पर हो। इसी बात को साबित कर दिखाया है सांबा जिले के कैली मंडी के रिटायर्ड कैप्टन राज सिंह ने। राज सिंह युवाओं को फौज की ट्रेनिंग देकर उन्हें भारतीय सेना के लिए तैयार कर रहे हैं। रिटायर्ड कैप्टन राज सिंह में देशभक्ति का जज्बा इस कदर भरा है कि वो आज भी देश की सेवा के लिए 600 से अधिक युवाओं को ट्रेनिंग देकर भर्ती करवा रहे हैं, जो कि आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ से लेकर पुलिस भर्ती तक के लिए आवश्यक है। रिटायर्ड कैप्टन राज सिंह की सोच ये है कि हर उस फौजी को रिटायरमेंट के बाद कम से कम जो जगह वो खाली कराया है उसे भरने के लिए एक फौजी जरूर तैयार करके भेजना चाहिए जो देश की सेवा कर सके। राज सिंह का दावा है कि अगर उनके बताए अनुसार युवा बेसिक ट्रेनिंग लेते हैं तो फिजिकल भर्ती में उनका सिलेक्शन निश्चित होगा। राज सिंह रोज सुबह 5 बजे उठते हैं और उसके बाद घर से 2 किलोमीटर दूरी पर सांबा आर्मी ग्राउंड पहुंच जाते हैं, जहां डोडा, किश्तवाड़, बनी, बसोली, बिलावर, सांबा, कठुआ और आसपास के अन्य कई इलाकों से युवा उनकी पूरी तरह से अनुशासित इंतजार करते नजर आते हैं। इसके बाद शुरू होती है उनकी ट्रेनिंग, जहां राज सिंह युवाओं को फौज में भर्ती में आवश्यक हर गुण को सिखा रहे हैं। ऑनरी कैप्टन राज सिंह 22 फरवरी 1985 में भर्ती हुआ था और रिटायरमेंट हुई मेरी 28 फरवरी 2015 में। उसके बाद मैं बच्चों को देखता था कि इनमें भी ये जोश भर हूँ कि ये भी सेना में अपनी सेवा दें, तो तब से मैंने ये ज्वाइन किया है। मेरे इधर से काफ़ी सुबह 250-300 बच्चा आता है, संडे को कम से कम भी 500-600 बच्चा हो जाता है। अभी भर्ती नहीं दी गई, अभी जब क्या ना मेरे जे एंड के पुलिस में कुछ बच्चे SI गए हैं और अभी 2 बच्चे NDA में गए हैं, तो और अभी कम से कम भी 650 के ऊपर बच्चा जो इधर से मेरे से ट्रेनिंग लेकर के BSF, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वगैरह वगैरह चले गए। मेरे पास कुछ बच्चे डोडा के आए थे, कुछ उधमपुर मानसर के बच्चे आए हैं, बसोली गए हैं। इनको पूरा बताता हूँ आर्मी में क्या है क्या नहीं, कैसे आप जाओगे। आप ऐसा है कि हमारे दादा, हमारे परदादा, हमारे फादर आर्मी में थे, तो हमारे में भी यही जुनून था कि हम भी आर्मी में जाएं और देश की रक्षा करें। मेरा छोटा भाई वो भी आर्मी में है, मेरा एक ही लड़का है वो भी आर्मी में है। फिजिकल के बाद जो इनका रिटर्न टेस्ट होता है उसकी तैयारी जो है वो मैं करवा रहा हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि राज सर जो हैं वो लास्ट 4-5 साल से जो हैं बच्चों को ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं। सुबह शाम 2 टाइम इनको 2-2 घंटे जो है रिटर्न अपना फिजिकल का पूरा इनको पोर्शन देखते हैं। तो आज तक इन्होंने कम से कम 600 बच्चा जो है वो जो रिक्रूट जो है करवा दिया है। तो उनका जो रिटर्न पोर्शन है वो इन्होंने मुझे बोला कि आप इन देखना, तो मैं खुद जो है वो काम करता हूँ, तो उसके बाद शाम को आकर 1-2 घंटा उनको देकर तो बच्चों का जो रिटर्न है वो उसमें मदद मैं कर रहा हूँ। मेरा नाम सुदेश कुमार है, मैं धाडूनू से तहसील बिलावर से। श्री राज सिंह कैप्टन रिटायरमेंट है, वो बहुत सारे इतने कुछ सिखा रहे हैं हमें कि हमें कोई भी ग्राउंड आ जाए हमें कोई भी मुश्किल नहीं होगी पास करने में। इतने ट्रेनिंग कर रहे हैं कि रनिंग करने में भी हमें बहुत आसान लग रहा है। पहले मैं इधर आया था तो मुझे मेरा बहुत ज़्यादा टाइम आता था, मगर अब कम से कम मैं सोचता हूँ कि कोई भी बच्चा मुझे पास नहीं कर सकता। मेरा नाम सौम्य राठौर है, मैं बेसिकली ऋषिकेश से हूँ लेकिन मैं सांबा में रहता हूँ। पहले मैं खुद से रनिंग करता था, फिर मेरे को थोड़ा लगता था कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ, तो फिर मैंने किसी से कांटेक्ट किया, फिर उन्होंने मुझे बताया कि सांबा में हेलीपैड है जहाँ पे रनिंग कराते हैं। कैप्टन राज सिंह संभ्याल रिटायर्ड हैं और जो यहाँ पे फौजी भर्ती होकर जाते हैं यहाँ से वो भी यहाँ के कोचिंग देते हैं। और जब से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो फिर मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हमें आर्मी की ट्रेनिंग मिलती है और यहाँ पे मैक्सिमम 80% बच्चा आर्मी में निकलता है। और जब भी हमें भर्ती का टाइम आता है हमारे जितने भी हैं कोच सर हैं, जितने भी आर्मी से हमें भर्ती हो जाते हैं जो, वो हमें ट्रेनिंग देने आते हैं और वो इतना कोशिश करते हैं कि हम हो ही जाएँ क्योंकि हमें देश का नाम रोशन करना है।